नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर आज हम जाने वाले हैं मंदिर में। ये जेराड स्ट्रीट के अंदर एक गणपति जी का मंदिर है। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था इसके यहाँ पे जाने के आसपास कौन सा सबसे अच्छा है, तो काफ़ी टाइम से हम प्लान भी कर रहे थे, तो आज हमारा को मौका मिल गया है। तो आज मैं अपनी वेब्स के साथ आ चुका हूँ मंदिर में। तो जाते 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 दिखाते हैं कि आपको ये मंदिर एग्जैक्टली कहाँ पड़ता है। अभी हम जाने वाले हैं जेराड स्ट्रीट में, ये टोरंटो के अंदर डाउनटाउन के पास में ही है। चलो हमारे साथ। तो जाते जाते भाई हमने एक दुकान में घुसे और यहाँ पे हमने ले लिए लॉटरी की टिकट। इसको हमें बस स्क्रैच करना है और स्क्रैच करने के बाद बस इसको इस मशीन पर स्कैन करना है और ये बता देगा कि हमने कुछ जीता भी है कि नहीं। यूजुअली कुछ मिलता नहीं है, लेकिन देखते हैं आज कस्टमर को। तो अब ये स्क्रैच करने जा रही है। यहाँ पे आता है बारकोड। Not a winner. चलो दूसरा करते हैं। ये लो तुम करो। $9. Congratulations, $9 मिले हमें। गाइस अभी देखा कि हमें लॉटरी लग गई है, सिर्फ $3 का था और मुझे $9 मिल गया इसकी जगह पे। तो उधर जाके बात करते हैं कैसे चलता है। चेंज कर लेंगे यहाँ पे। इंस्टेंट कैश मिलेगा, इंस्टेंट कैश मिलता है गाइस। विनर। अरे देखा, तुम्हारा भाई जीत गया। पहली बार खेला और पहली बार में जीत गया। बड़ा खेला। $9 गाइस हमें मिल चुके हैं, $9। और मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी उड़ा देते हैं, देखते कितने मिलते हैं। सारा आज गंवाना है। तो यहाँ पे रखी हुई है सारी। चलो वापस जाके देखते हैं। तो गाइस दो टिकट आ चुके हैं, इन दोनों के नंबर पर स्क्रैच करो। क्या पता आज मिलियनेयर बन जाऊं। आज तो पैसा ही पैसा होगा, फुल पैसा। ये दोनों हो चुके स्क्रैच। यस बर्बाद। यस तो गाइस पैसे बर्बाद हमारे पैसे। तो गाइस जैसे कि आपने देखा यहाँ पे ऐसे ऐसे जाते हाथ से पैसे आए भी थे और चले भी गए। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चलता ही है। लॉस नहीं हुआ, जो डाला था वो वापस मिल गया और साथ में थोड़ी एंटरटेनमेंट आ गई। तीन कार्ड स्क्रैच किए मुफ्त में, काइंड ऑफ। हाँ, काइंड ऑफ फ्री। हम जा रहे हैं साउथ इंडियन टेम्पल। तो गाइज अभी हम बस का ही वेट कर रहे थे। देखो ये होती है स्ट्रीट कार, उसके पटरी पर चलती है। अभी आप हमारे पीछे देख रहे हो, एक बंदा लेटा पड़ा है, ये देखो ये बंदा। तो लोग क्या करते हैं, जो भी इसके पास से जा रहे हैं ना होमलेस जैसे, ये सारे इनके जेब में से पैसे निकाल रहे हैं। अभी हमने देखा लाइव एक बंदा पैसे लेकर निकल गया इनके जेब में से। तो यहाँ पे बंदी, हाँ लड़की थी इनफैक्ट, हमें लगा ये तो मतलब अच्छे अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे उस लड़की ने और उसने जेब में से हाथ डाल दी। मुझे लगा हेल्प कर रही होगी, लेकिन एक्चुअल में जेब में हाथ डाल के पैसे निकाल लिए। पता नहीं $10-$20-$30 थे, सारे निकाल लिए। फुल नशे में है भाई, कुछ भी पता नहीं चल रहा, मुँह खोल के सो रहा देगा। तो यही होता है गाइस, नशे से उठेगा उसका घर जाने के घर जाने के वैसे ही नहीं होंगे। जगह अच्छी है ये। तो गाइज आप जब भी यहाँ पे आओ डाउनटाउन वगैरह एरिया में, मेरे पीछे देख रहे हो फुल नशेड़ी में नशा करके घूमते लड़के, लड़का लड़कियाँ सब नशे में होते हैं यहाँ पे और ये कभी भी अटैक कर सकते हैं। इनके पास से रात के टाइम पे जाना सेफ नहीं है। ज़्यादातर ये सब्वे वगैरह भी है, पीछे सब्वे का रास्ता है, नीचे जाते हैं मतलब ट्रेन वगैरह पकड़ने की। तो ये लोग अटैक वगैरह कर देते हैं, तो सेफ्टी का ख्याल रखना इस एरिया में। वो देखो अपना सरदार भाई ऊबर कर रहे हैं साइकिल पे। यहाँ पे ऊबर का बहुत अच्छा सीन है, ये डाउनटाउन है बेसिकली। अभी हम मंदिर की तरफ पहुँचने वाले हैं, स्ट्रीट कार का वेट कर रहे हैं। एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करी है कि ये डाउनटाउन रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा होमलेस वगैरह होते हैं। तो ये लोग स्मेल भी आता है यहाँ पे। ये लोग देखो अभी साइड में इसने कर रखा है, यहाँ पे सुसू पॉटी कर लेते हैं गांजा वांजा पी के ना, ये लोग साइड में ही पड़े रहते हैं। तो इनके पास से जाते हुए सेफ महसूस नहीं होता, थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि ये लोग सारे नशे में होते हैं। तो ये देखो हमारी स्ट्रीट कार आ गई है, तो अब चलते उधर।
तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मंदिर के पास। ये है जेराड स्ट्रीट और ये रहा मंदिर। काफी छोटा सा है लेकिन बड़ा क्यूट सा लग रहा है। तो गाइस हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं और मंदिर से हमें प्रसाद भी मिला है। ये राइस है। अब ये तमिलियंस के मंदिर है तो वहाँ पे इनका प्रसाद होता है राइस। इसमें दाल भी डाला हुआ है, मतलब ये गरम है लेकिन, हाँ लेकिन ये गरम है और हमें फ्रूट्स भी मिले। बेसिकली साउथ इंडियंस का मंदिर था, काफ़ी पीसफुल था और अच्छा लगता है कि कनाडा जैसे देश के अंदर भी हमारे हिंदुज़म को फॉलो हो रहा है तो अच्छा लगता है। और वैसे भी काफ़ी कम मंदिर देखने को मिलते हैं, मतलब काफ़ी दूर दूर हैं, है ऐसा नहीं है कि है नहीं लेकिन काफ़ी दूर दूर हैं। और मैं वैसे भी एक साउथ इंडियन मंदिर जाना चाहता था काफ़ी टाइम से, तो आज मौका मिल गया और भी मंदिर एक्सप्लोर करते रहेंगे। और अगर आप लोगों को कोई मंदिर के बारे में पता है तो कमेंट करिएगा, हम वो भी कवर कर लेंगे, एक बार जाके देख लेंगे। लेकिन ये भी मंदिर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी छोटा था बट देन अच्छा भी था, काफ़ी पीसफुल था। वहाँ पर मैंने ये देखा है कि ट्यूसडे का, आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे का दिन होकर भी काफ़ी लोग आए हुए थे मंदिर में। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर गाइस। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और इस मंदिर में ज़रूर आना जब आप कनाडा आओगे। डाउनटाउन में ही है, एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही लिखा हुआ मिल जाएगा। और एक और चीज़ देखने को मिलेगी, चर्च भी एकदम पीछे ही है इसके, वहाँ पर वहाँ से राइट लेकर मंदिर और पीछे चर्च। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, बाय।